गंगा के रास्ते श्री काशी विश्वनाथ धाम को कनेक्ट करके माँ गंगा से बाबा विश्वनाथ को जोड़ने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो चुका है। लेकिन इस सपने को पूरा होने के बाद यहाँ से आने वाले भक्तों को कठिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये अग्नि परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब घाट के रास्ते ऊपर होते हुए यहाँ पर प्रवेश कीजिएगा तो इस लंबे रास्ते पर नंगे पाँव आना बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि जलते हुए जो पत्थर हैं धूप में वो निश्चित तौर पर भक्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। आप देखिए, नंगे पैर तमाम बच्चे, तमाम लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए कठिन समय होता है इस रास्ते से गुजरना। और यहाँ पर शेड की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जो निश्चित तौर पर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? लोग बनारस से ही आए हैं। तो यहाँ आए हैं, आप लोग देख रहे हैं घाट के रास्ते आए हैं, नंगे पाँव आए हैं, क्या हुआ? बाकी व्यवस्था तो बहुत सुंदर है। ये घाट से नीचे उतरने का थोड़ा गर्मी बहुत है ना, इसलिए जल रहा है, पैर सब जल रहा है। कम से कम इसमें चटाई उटाई बिछा देते तो ज्यादा व्यवस्था हो जाती है, लोगों को सुविधा होती। आप देख रहे हैं एक मासूम बच्चे के साथ हैं, आपके लिए कितना कठिन है? बच्चे के लिए कठिन तो देखिए बहुत है, लेकिन हमको उम्मीद भी है क्योंकि यहाँ पे मोदी जी जिस तरीके का विकास करवाए हैं, हम लोग पहले भी आए रखे हैं यहाँ पे, और अभी जिस तरीके का विकास हो रहा है मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि आगे बहुत बढ़िया होंगे। अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है, अभी देखिए पैर वैर जल रहा है, खूब धूप है, यहाँ थोड़ा सा शेड वेड हो जाता तो किसी भी समय आदमी आए अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रभु के तो आसानी रहेगी थोड़ा सा, है। और पानी वानी थोड़ा सा यहाँ पे जैसे थोड़ा और ज्यादा मिलता रहे, पानी की व्यवस्था निश्चित है। यहाँ पर देखिए जो भक्त आए उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और भी भक्त हैं। नंगे पाँव चलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि धूप बहुत है और सब पत्थर है, बहुत हीट हो गया है, तो नंगे पाँव चलना बहुत मुश्किल है। नंगे पाँव चलना ऐसे तो कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है मैट डाला हुआ, उसके अलावा और कुछ तो नहीं दिख रहा है। और शेड वेड है यहाँ पर? शेड तो कुछ भी नहीं है, अगर शेड होता तो शायद तो नीचे का फर्श इतना हिट नहीं होता। निश्चित तौर पर यहाँ पे भक्तों के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात तो है ही। आप लोग आए हैं यहाँ पे कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए। आप लोग यहाँ आए हैं, नीचे से आ रहे हैं नंगे पाँव, दिक्कत हुई कोई? पैर जल रहे हैं धूप के कारण, तो थोड़ी व्यवस्था होना चाहिए, जूते चप्पल उधर ही उतरवा लिया और दर्शन करके हम इधर से उतरे तो थोड़ी सी बस ये यहाँ तो थोड़ी व्यवस्था हो जाए। शेड वेड भी नहीं है, तो हमने आए थे, बाबा ने बुलाया था। लेकिन शादी की वर्षगांठ पर अग्नि पर चलना पड़ा। हाँ, अग्नि 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 परीक्षा देना पड़ी, अग्नि परीक्षा। निश्चित निश्चित है, तो भक्तों के लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी है और इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले भक्त यहाँ पर बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं, नंगे पांव बाबा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो रूट है वो काफ़ी कठिन है और नंगे पांव इस पत्थर पर चलना हर भक्त के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, और कहीं भी कोई शेड की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।